हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रंपा आंट ओन से मिलकर ऑफिस जा रही होती है, तभी पविता वहाँ आ जाती है और रंपा को बोलती है, मैं तुम्हारे फादर का ध्यान रखने जा रही हूँ, हमें आउटसाइड नर्स की जरूरत नहीं। रंपा बोलती है, आप थकती नहीं है हमेशा एक्टिंग करते हुए? पविता बोलती है, क्या तुम मुझसे लड़ना बंद नहीं कर सकती? रंपा बोलती है, तुम मेरी अन से लड़ना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर पविता जाने लगती है। रंपा मेड को टांग अड़ाकर पविता पर गिरा देती है। पविता उसे डांटती है। रंपा उन पर हंसकर वहां से चली जाती है। पविता को ये देखकर और भी गुस्सा आता है। इसके बाद रंपा अपना मूड ठीक करने के लिए युथा के साथ शॉपिंग पर जाती है। युथा रंपा के बैग संभाल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, फ्रैंक रंपा के फादर चाय से मिलने आता है ताकि उस पर हंस सके। साथ ही फ्रैंक चाय को रंपा के बारे में बताता है, तुम्हारी बेटी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसने मेरी कंपनी में आकर हंगामा मचाया था, उसके दिमाग का इलाज कराओ नहीं तो वो तुम्हारी कंपनी को भी डुबा देगी। चाय को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। फ्रैंक चाय का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। चाय गुस्से में मेडिसिन भी फेंक देता है। तभी पविता वहाँ आ जाती है और चाय से पूछती है, मुझे पता चला फ्रैंक यहाँ आया था, क्या वो चला गया? चाय गुस्से में बोलता है, वो जा चुका है, पर तुम उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रही हो? पविता बताती है, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। चाय बोलता है, वो मेरा दोस्त नहीं रहा, इसलिए मेरे सामने कभी उसके बारे में बात मत करना। इसके बाद पविता एक रेस्टोरेंट में फ्रैंक से मिलती है। पविता फ्रैंक को बताती है, चाय मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करता, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि वो अब चल नहीं पाएगा। फ्रैंक पविता का पुराना दोस्त है और उसे पसंद भी करता है। यहाँ में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, फ्रैंक पविता के साथ एक इवेंट अटेंड कर रहा था जहाँ फ्रैंक ने पविता को चाय से मिलवाया। दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद करने लगे और एक दिन दोनों ने शादी तक कर ली और फ्रैंक सिर्फ देखता रह गया। फ्लैशबैक से बाहर फ्रैंक पविता को बोलता है, कहीं तुमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया? पविता कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में रंपा शॉपिंग कर मॉल से बाहर आती है। रंपा को याद आता है वो अपना एक बैग अंदर भूल गई है। युथा रंपा को कार में बिठाकर बैग लेने चला जाता है। तभी पार्किंग में कुछ फैंस एक स्टार के पीछे भाग रहे होते हैं। अचानक से रंपा की कार में एक लड़का आकर बैठ जाता है। रंपा उसे बदमाश समझकर हिट करती है। वो लड़का अपना फेस रंपा को दिखाता है, रंपा उसे पहचान जाती है। तभी युथा भी वहाँ आता है और बिना देखे उस लड़के को मारने लगता है। रंपा युथा को रोकती है और उसे बोलती है, ये सुपरस्टार साइमन है। साइमन अपने फैंस से बचने के लिए रंपा की कार में बैठा था। साइमन रंपा को बोलता है, तुम्हें पता है तुमने कितना महंगा फेस खराब कर दिया है? रंपा बोलती है, मुझे कैसे पता, प्राइस टैग लगाकर घूमना चाहिए। साइमन बोलता है, तुम्हें इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। रंपा उसे अपना बिजनेस कर देने लगती है और बोलती है, कंपनसेट कर देंगे। साइमन रंपा को बोलता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम पर चार्ज फाइल करूंगा। रंपा पूछती है, किस जुर्म का? साइमन बताता है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। रंपा साइमन को बोलती है, ओए देख कर बोल, तू मेरी कार में आकर बैठा था। साइमन बोलता है, दो मिनट में तुम्हारी कार में बैठा और तुमने मेरा यह हाल कर दिया, और साथ ही तुम्हारे सेक्रेटरी ने भी मुझे मारा, मैं चार्ज फाइल करूंगा ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं। युथा बताता है, कार के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, सबको पता चल जाएगा तुम झूठ बोल रहे हो, रंपा ने अपने बचाव में तुम्हें मारा और मैंने अपने बॉस को बचाने के लिए तुम्हें मारा। साइमन ये सुनकर चुप हो जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। रंपा युथा से खुश हो जाती है। दूसरी ओर पविता चाय को अपनी बातों में फंसा कर कंपनी में उसके शेष अपने और दा के नाम करवा लेती है। नेक्स्ट डे पविता और उसकी बेटी दा इतराते हुए ऑफिस में पहुंचते हैं। कान से भी ये बात रंपा को आकर बताती है। रंपा को गुस्सा आता है और तुरंत पविता के पास आती है। रंपा पविता से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? पविता बताती है, चाय ने मुझे कंपनी की सीईओ बना दिया है, इसलिए काम करने आई हूँ। रंपा को यकीन होता है पविता ने उसके फादर को बेवकूफ बनाकर शेयर अपने नाम कराए होंगे, लेकिन पविता और दा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लिफ्ट में चले जाते हैं। रंपा देखती रह जाती है। अचानक से लिफ्ट रुक जाती है। पविता जल्दी से दा को इमरजेंसी बटन प्रेस करने को कहती है। दा को डर की मारी समझ नहीं आता कौन सा बटन दबाऊं। पविता अपने बैग से फोन निकालती है कॉल करने के लिए, पर नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते। दा ये सुनकर घबरा जाती है और वहीं लेट जाती है। ये सब रंपा कर रही होती है। युथा रंपा को समझाता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें कुछ हो गया तो? रंपा बोलती है, मुझे मेरी लिमिट्स पता है, मैं सिर्फ इन्हें डराकर यहाँ से भगाना चाहती हूँ। पविता लिफ्ट में रंपा को सुना रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है ये सब वही कर रही है। रंपा को और गुस्सा आ जाता है और लिफ्ट की लाइट भी बंद कर देती है। युथा बोलता है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अब ये सब बंद कर दो। युथा के कहने पर रंपा मान जाती है। लिफ्ट से निकलकर अपने आप को संभालती है
और ऑफिस में पहुंचती है। रंभा उन्हें बोलती है, तुम तो मुझसे पहले निकली थी तो मेरे बाद कैसे आई। पवित्रा बोलती है, हम लिफ्ट में फंस गए थे और मुझे पता है किसकी वजह से फंस गए थे। रंभा बताती है, आज से पहले मेरी ऑफिस की लिफ्ट खराब नहीं हुई पर जैसे तुम दोनों उस लिफ्ट में चढ़ी खराब हो गई। पवित्रा रंभा की बात को इग्नोर करके बोलती है, हमारे केविन बताओ, हम यहाँ काम करने आए हैं, बकवास करने नहीं। रंभा युता को उनके केविन दिखाने को कहती है। युता उन्हें उनके केबिन में लेकर जाता है। दोनों के केबिन देखकर होश उड़ जाते हैं। पविता युता से पूछती है, ये कोई मजाक चल रहा है। युता बताता नहीं। पविता बोलती है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। युता बोलता है, अच्छे से जानता हूँ, मेरी बॉस का ऑर्डर है, मैं बस फॉलो कर रहा हूँ। पविता घर आकर चाय को रंभा के बारे में सब बता देती है, जो भी उसने उनके साथ किया होता है। शाम को रंभा घर वापिस आती है। चाय रंभा को डांटता है पविता और दा को बैडली ट्रीट करने के लिए। रंभा को गुस्सा आ जाता है, उसके फादर हमेशा उनकी वजह से उससे डांटते हैं। रंभा रूम में आकर रोने लग जाती है। नेक्स्ट डे पविता और दा को एक बढ़िया सा केबिन मिल जाता है और दोनों खुश हो जाती हैं। रंभा युता के साथ फिरोज के ऑफिस आती है। फिरोज ने वहाँ फ्रैंक को भी बुलाया होता है। फिरोज दोनों कंपनी को बताता है, जो कंपनी इस फिल्म में सबसे पहले साइमन को साइन करेगी उसी कंपनी को मैं ये प्रोजेक्ट दूंगा। साइमन का नाम सुनकर रंभा को याद आता है उसने जो साइमन के साथ किया था, उस वजह से वो उनके साथ काम करने के लिए कभी नहीं मानेगा। वहीं दूसरी ओर साइमन का कॉन्सर्ट चल रहा होता है। ता भी इस कॉन्सर्ट में होती है क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन होती है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद 100 फैंस को साइमन के साथ फोटो क्लिक करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिन फैन को VIP पास मिला होता है। दा के पास VIP पास नहीं होता, इसलिए दा बिना पास के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे रोक लेते हैं। दा बताती है, मैं साइमन के फैन पेज की एडमिन हूँ। गार्ड फिर भी नहीं जाने देता, सभी लड़कियाँ उस पर हंसती हैं। दा बेहोश होने का नाटक करती है। साइमन दा को आकर देखता है, कुछ फैंस उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। साइमन दा को उठाकर वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट डे युता रंभा को बोलता है, अगर तुम पीरोज का प्रोजेक्ट लेना चाहते हो तो तुम्हें फ्रैंक से पहले साइमन को साइन करना होगा। रंभा बोलती है, वो मुझे पता है पर ये नहीं पता कि साइमन कहाँ है, तो मैं उससे बात कैसे करूं। युता को ऑनलाइन साइमन का कॉन्सर्ट का वीडियो मिलता है। युता वो वीडियो क्लिप रंभा को दिखाता है और बोलता है, तुम्हारी बहन दा जानती होगी साइमन कहाँ है, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है और उसके फैन पेज की एडमिन भी है, तो उसे उसकी हर लोकेशन का पता होगा। रंभा बोलती है, पर मैं उस दा के पास हेल्प मांगने नहीं जाऊंगी। युता बोलता है, हमें ये करना होगा। रंभा युता को देखकर मान जाती है। रंभा दा से रूट लिया कर पूछती है, साइमन कहाँ है। युता को रंभा की हरकतों पर हंसी आती है। दा बोलते है, मुझे कैसे पता वो कहाँ है। रंभा बोलती है, किस तरह की फैन हो जो तुम्हें नहीं पता तुम्हारा आइडल कहाँ घूम रहा है। दा बोलती है, मुझे पता है पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं। और दा रंभा को चिढ़ाती है। रंभा दा का मुंह पकड़ लेती है और उसे मारने वाली होती है। युता रंभा को रोक लेता है। दा रंभा को बोलती है, अगर तुम सच में जानना चाहती हो साइमन कहाँ है तो मेरे पैर पकड़ कर भीख मांगो। रंभा दा को बोलती है, दिन में सपना देखना बंद कर दो, और उसे चाटा मारने लगती है। युता उसे रोक लेता है। दा वहाँ से भाग जाती है। युता रंभा को बोलता है, तुम रहने दो, मैं दा से जाकर बात करता हूँ। दा अपनी मदर को जाकर सब कुछ बता देती है। युता दा से बात करने आता है और उसे समझाता है, अगर तुम बताओगी साइमन कहाँ है तो हमारी कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा और हो सकता है तुम्हें साइमन के साथ उस मूवी में काम करने का मौका मिले। ता साइमन के साथ एक्टिंग के लालच में बोलती है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, मेरी एक कंडीशन है, मैं भी तुम लोगों के साथ साइमन से मिलने जाऊंगी। युता बोलता है, इस बारे में मुझे रंभा से पूछना होगा। दा बोलती है, तुम उससे पूछने गए तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। युता सिचुएशन में फंस जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, रंभा युता और दा के साथ साइमन से मिलने आती है। दा साइमन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। रंभा दा को साइड करती है साइमन से बात करने के लिए। साइमन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। रंभा बताती है, हमारी कंपनी तुम्हारे साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट साइन करना चाहती है। साइमन बोलता है, मैं तुम जैसे लोगों के साथ काम नहीं करूंगा। रंभा साइमन को कन्विंस कर रही होती है, तभी फ्रैंक भी वहाँ टपक पड़ता है। रंभा फ्रैंक से पूछती है, तुम्हें कैसे पता साइमन यहाँ है। फ्रैंक नहीं बताता और साइमन को अपनी कंपनी के साथ काम करने के लिए कन्विंस करता है। रंभा फ्रैंक को बोलती है, तुम्हें दिखता नहीं हम दोनों पहले से यहाँ बात कर रहे हैं। फ्रैंक रंभा को चुप कराता है और साइमन को बोलता है, मैं तुम्हें डबल पे करूंगा जो रंभा तुम्हें पे करेगी। साइमन बोलता है, पैसों की बात नहीं है, वैसे भी मैं रंभा के साथ काम नहीं करूंगा, ये लड़की मुझे जरा भी पसंद नहीं। साइमन फ्रैंक को वहाँ से ले जाता है। रंभा को गुस्सा आता है। युता रंभा को कार में बिठाता है। रंभा चिल्लाकर अपना गुस्सा निकालती है। दा भी कार में आकर बैठ जाती है। रंभा दा को किक मारकर कार से निकाल देती है और युता को कार में बैठने को कहती है। दोनों दा को वहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। दा को समझ नहीं आता वो घर वापस कैसे जाएगी क्योंकि उसे रास्ता नहीं पता, लेकिन ऐसे तैसे करके दा पहुँच जाती है और चाय और पविता को सब कुछ बता देती है। साथ ही दा अपने फादर चाय को बताती है।
फ्रैंक ने साइमन को साइन कर लिया है। रंपा की वजह से हमारी कंपनी के हाथों से एक बड़ा प्रोजेक्ट निकल गया है। चाय ये सारी बातें सुनकर रंपा से बात करने ऑफिस आता है। रंपा अपने फादर की बात सुनने बिना ही केबिन से चली जाती है। रंपा के फादर यूता को बताते हैं फ्रैंक अच्छा आदमी नहीं है, वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, यही बताने में रंपा को आया था। साथ ही चाय यूता को बताता है फ्रैंक की आदत है लोगों के पीछे बैड बिचिंग करने की। ये सुनकर यूता को आइडिया आता है। यूता वेटर बनकर साइमन के रूम में आ जाता है और उसे कन्विंस करता है उसके साथ चलने को, ताकि वो उसे फ्रैंक का रियल रूप दिखा सके। यूता साइमन को एक बार में लेकर आता है जहाँ फ्रैंक भी अपने कलीग्स के साथ होता है और साइमन को लेकर उल्टा सीधा बोल रहा होता है। साइमन ये सब सुनकर समझ जाता है फ्रैंक अच्छा आदमी नहीं है। नेक्स्ट डे फ्रैंक फिरोज के ऑफिस में मीटिंग के लिए आता है और काफी खुश होता है, क्योंकि उसे यकीन होता है फिरोज का प्रोजेक्ट उसे ही मिलने वाला है। तभी रंपा भी यूता और साइमन के साथ वहाँ आती है। फ्रैंक साइमन को रंपा के साथ देखकर शॉक हो जाता है। साइमन फिरोज को बताता है मैं रंपा के साथ काम करूंगा। फ्रैंक साइमन को बोलता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हमारी ऑलरेडी डील हो चुकी है। रंपा बोलती है तुम्हारी सिर्फ बात हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, साइमन ने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। फ्रैंक ये सुनकर होश उड़ जाते हैं। फिरोज अपना प्रोजेक्ट रंपा की कंपनी को दे देता है। इसके बाद रंपा यूता के काम से खुश होकर उससे पूछती है तुम रिवॉर्ड में क्या चाहते हो, मैं सब दे दूंगी। यूता बोलता है कुछ पैसे दे दो मेरा काम हो जाएगा। रंपा मान जाती है। यूता रंपा को समझाता है तुम्हें अपने फादर से भी बात करनी चाहिए, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रंपा बोलती है नहीं, वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। घर आकर रंपा इनडायरेक्टली अपने फादर को बताती है उनकी कंपनी को फिरोज का प्रोजेक्ट मिल गया है। फादर ये सुनकर खुश हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंग है, बाय बाय।